नए कृषि कानूनों के संशोधन के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे, लेकिन केंद्र सरकार से वार्ता की सूचना पर गिलोट रिको एरिया के पास 200 फीट रोड पर पड़ाव डाल दिया। उधर हरियाणा में भी पुलिस सीमा पर तैनात रही। पहले किसान हरियाणा में पड़ाव डालने वाले थे, लेकिन वहां इजाजत नहीं मिलने पर करीब 60-70 किसान शाहजहांपुर में 200 फीट रोड पर बैठ गए। इनमें किसान महापंचायत और कांग्रेस के अनेक नेता शामिल थे। पुलिस और प्रशासन ने एक बार तो उन्हें धारा 144 का हवाला देकर डेरा डालने से मना कर दिया, लेकिन बाद में प्रशासन की मूक सहमति से ये सभी हाईवे के समीप एक खेत में जाकर बैठ गए। सुबह से ही ये सभी लोग निजी वाहनों से शाहजहांपुर पहुंचे थे। किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर छिल्लर, कांग्रेस जिला महासचिव ललित यादव, कांग्रेस नेता रामचंद्र बुलडग और अकबर खान टांग से काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमें कल से सूचना थी तो पर्याप्त जाब्ता हमने मांग लिया था, थाने की जाब्ता, तीनों थाने की जाब्ता को अलर्ट कर दिया था। आज सुबह जब ये टोल पे इकट्ठा होने लगे, कोशिश मतलब एक दो आने लगे तो उनको वहाँ से चित्रा दिया गया। अब जो जिले में जैसे आप सबको विदित है कि 144 लगी हुई है, तो उसकी संपूर्ण पालना कराई जाएगी। जाब्ता अपना पूर्ण है और जहाँ भी अभी इकट्ठे होंगे तुरंत में ही चित्र उतर करके 144 की पूर्ण पालना कराई जाएगी। किस तरह मीटिंग ले रहे हैं? नहीं, इनको नहीं, इनको अभी श्री हटा दिया जाएगा। जाता आ गया है, इनको भी यहाँ से इस जगह से यहाँ से हटा के अपनी सीमा से, अपनी जो उत्खन सीमा से बाहर इनको एक एक करके निकाल दिया जाएगा। इन्होंने सबसे पहले शाहजहांपुर के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले 200 फीट रोड पर रिको गेट के समीप पड़ाव डाला, लेकिन यहाँ से नीमराणा SDM योगेश देवल, DSP लोकेश मीणा व थाना प्रभारी सुनील जांगण ने धारा 144 लगी होने का हवाला देकर इन्हें हटा दिया। गेट से उठकर सभी नेता व किसान 200 फीट रोड के समीप निजी कॉलोनी के खाली जमीन पर जाकर बैठ गए। प्रशासन ने उन्हें यहां से हटाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया। इन किसान मेलों में विदेशी निवेशकों को बिठाने की चिंता की गई है। उनकी प्रसन्नता को देखते हुए ये बिल ड्राफ्ट किए गए हैं। उनसे जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होगा। जिनको एकाधिकार प्राप्त होगा वे कृषि उत्पादों के कम से कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से अधिक दाम वसूलेंगे। कारण से किसान उत्पादन करने वाला, गरीब उपभोक्ता खाने वाला, ये दोनों लुटेंगे। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, इसमें किसान खुद के खेत पर ही मजदूर बन जाएगा। हिंदुस्तान का किसान जो खेती में तज्ञ है उसको ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो जैसे कंपनी के वैसे खेती करना, और बाद में जब आपकी उपज पैदा हो जाएगी तब सेलेक्ट करेगी कंपनियां। सबसे अच्छा तो यह है भारत सरकार इन बिलों को वापस ले ले। यदि उनको लगे कि नहीं, ये तो हमारी नाक का बाल बन गया क्योंकि हमने विदेशी निवेशकों से प्रॉमिस कर लिया, उनको यदि ये लगे तो एक बीच का रास्ता निकाल ले। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून इसमें ऐड कर दे।